मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा नेता है उन्होंने 2 जनवरी तक राज्य सरकार को समय तो दे दिया है, लेकिन जो मराठा समाज के लोग हैं वो अभी भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर मोर्चे निकाल रहे हैं। और इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई का एंटॉप हिल है, वहां पर बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग निकले हुए हैं। हाथों में बैनर उनके हैं जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण नहीं तो मतदान नहीं, यानी मराठाओं को आरक्षण जब तक नहीं मिलता है वो मतदान भी नहीं करेंगे। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि 2 जनवरी तक वो किसी भी हाल में मराठाओं को आरक्षण दे देंगे। इस आरक्षण के लिए जो लोग जुटे हुए हैं उसमें देखें हर उम्र के लोग यहाँ पर दिख जाएंगे, बड़ी संख्या में लोगों के साथ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, मौके पर पुलिस भी मौजूद है ताकि जो मराठा समाज के लोग हैं वो किसी तरीके से नाराज ना हो जाए। हालांकि इस तरीके की कहीं कोई घटना नहीं हुई है क्योंकि मनोज जारंगे पाटिल ने राज्य सरकार को 2 जनवरी तक का समय दिया है कि मराठा आरक्षण दिया जाए। जीआर जो था राज्य सरकार की तरफ से, प्रतिनिधि मंडल जो सरकार की तरफ से गया था, कल के दिन मनोज जारंगे पाटिल को दे दिया है। ऐसे में आंदोलन की जो तीव्रता है वो महाराष्ट्र में कम जरूर हो गई है, लेकिन मराठाओं की इस पर नजर है कि जो आश्वासन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है क्या उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है। जो तस्वीरें हैं उसके बारे में हम आपको फिर से एक बार विस्तार से बता दें, बड़ी संख्या में आप देखें यहाँ पर एक मराठा लाख मराठा की जो टोपी है लोग पहने हुए अपने सिर पर चल रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए, भगवा झंडा इनके हाथों में है, एक मराठा लाख मराठा की लगातार नारेबाजी हो रही है। और ये जो समूह है मुंबई के एंटॉप हिल में प्रतीक्षा नगर डिपो से निकला है, जो करीबन 1 किलोमीटर का पूरा सर्कल लेते हुए वापस से जो प्रतीक्षा नगर का गार्डन है वहां पर जाकर खत्म होगा। आप तस्वीरों में देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, शामिल हुए हैं, क्योंकि सभी कोई एक मत होकर मांग कर रहे हैं कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। समय दिया गया है सरकार को, अब सरकार उसको कितने सही तरीके से कुंभी समाज के तहत जो वादा किया गया है सर्टिफिकेट देने का उसको किस तरीके से लागू करती है वो एक अग्नि परीक्षा महाराष्ट्र सरकार के लिए होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मराठा समाज के लोग अभी भी सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज तेज कर रहे हैं और अब तो सीधे सीधे इस तरीके की बातें सामने आने लगी है कि अगर आरक्षण नहीं मिलती है तो मतदान तक नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए भी खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन देवेंद्र दायलकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।